असम पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर जुनमोनी राभा ने अपने ही मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है। मंगेतर पर आरोप है कि उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, नकली पहचान के साथ शादी की कोशिश की। साथ ही राणा पोगाक पर आरोप है कि उसने ONGC में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की। राणा ये झूठा दावा करता था कि वो असम में ONGC के साथ काम कर रहा है। ये मामला असम के नगांव जिले का है। जुनमोनी और राणा ने पिछले साल अक्टूबर में सगाई की थी और नवंबर में शादी करने वाले थे। जुनमोनी को जैसे ही पता चला कि उसका होने वाला पति एक ठग है तो उसने तुरंत उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। बुधवार शाम को नगांव कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अमर उजाला की खबर के मुताबिक राभा ने बताया कि माजुली पोस्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात जनवरी 2021 में राणा से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और वो करीब आ गए। तब राणा ने खुद को ONGC में जनसंपर्क अधिकारी बताया था। इसी दौरान उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दोनों के परिवार मिले और अक्टूबर 2021 में उन्होंने सगाई कर ली।